अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन ब्रेड है, मिनी चिकन ब्रेड रोज़ फ्लावर में बनाएंगे और बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड भी बनाएंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, घर पे बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो विदाउट ओवन भी इसको बना सकते हैं आराम से पतीले के अंदर। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। चिकन की बना लें, मटन की बना लें, वेजिटेबल की बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 4 कप मैदा पहले एक बाउल के अंदर मैंने लिया है, साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 2 टीस्पून शुगर, 3 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। नीम गर्म दूध से गूंदेंगे और 1.5 कप दूध लगेगा। अच्छे से गूंद लें, पहले इसको प्याले के अंदर गूंदें, उसके बाद इसको किसी भी स्लैब में या किसी खुली जगह पे रख के खूब हाथों से 4 से 5 मिनट हमने मसलना है। इतना मसलना है कि बिल्कुल डो जो है ना सॉफ्ट हो जाए। बीच में 1 से 2 टेबलस्पून हम ऑयल भी डालेंगे और इस तरीके से इसको 4 से 5 मिनट गूंदते जाएंगे। इससे डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए श्रेडेड चिकन मैंने 300 ग्राम ले लिया है जी। उसको उसमें मैंने 1 कप दूध डाला है, 2 टेबलस्पून मैदा, नमक, काली मिर्चें, ओरिगैनो लीव्स, कुटी हुई मिर्च डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बड़ा गाढ़ा सा बैटर ये रेडी हो जाएगा और फिर 1/2 कप चेडर चीज़ डाल देंगे। नमक, काली मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो श्रेडेड चिकन है उसको बॉईल करते हुए मैंने उसमें भी नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर डाला था। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आटा जो है हमारा काफ़ी राइस हो गया है। पंच डाउन करें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्से के हमने छोटे छोटे 6 बॉल्स बना लेने हैं। इक्वल साइज़ के बॉल बनाएंगे। सिक्स बॉल्स बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे बन गए हैं। इनको दरमियाने साइज़ का हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत मोटा भी नहीं बेलना। सेंटर पे हमने फिलिंग रखनी है। फिलिंग मेक श्योर के ठंडी हो जानी चाहिए। इस तरीके से कट लगाइए नाइफ से और इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर दीजिए। बड़े प्यारे से रोज़ फ्लावर ये बन जाएंगे। इसी तरीके से सारे हमने बना लेने हैं। सारे फ्लावर्स हमारे रेडी हो गए हैं। इनको बेकिंग डिश में लगाएंगे और इनके ऊपर ब्रश करेंगे अंडे की जर्दी। सफ़ेदी नहीं करनी, जर्दी बस करनी है। और टॉपिंग करेंगे सफ़ेद तिल के साथ। काले तिल भी आप लगा सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। 180 डिग्रीज पे इनको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये बेकिंग के लिए मैंने डाल दिए थे अंदर। और अब हम चिकन ब्रेड बना लेते हैं, जो कि बेकरी स्टाइल की है। बहुत ज़बरदस्त बनती है बेकरी स्टाइल की चिकन ब्रेड। ये आप देख सकते हैं ओवल शेप में आप रोटी को बेल लीजिए। बहुत मोटी, बहुत बारीक नहीं बेलनी चाहिए, दरमियाने साइज़ की रोटी बेलनी है हमें। दोनों साइड्स पे कट लगा लें, इवन कट लगाने हैं। जितने उस साइड पे लगाने हैं उतने ही इसी दोनों साइड्स पे लगाने हैं, ठीक है, एक बराबर के। तो इस तरीके से ओवरलैप कर लें। तो जनाब ज़बरदस्त सी हमारी ये ब्रेड भी रेडी हो गई है। इसको भी अंडे की जर्दी से ब्रश कर लीजिए, ऊपर तिल डाल दीजिए, सफ़ेद या काले या दोनों मिक्स करके डाल दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये भी हमारी बेक होगी 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। और अगर पतीले में करेंगे तो 30 मिनट्स लग जाएंगे प्री हीटेड पतीले में। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये देखिएगा अभी रेडी हो जाएगी हमारे फ्लावर्स और ब्रेड। माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आया ना, ये देखें। खाने में भी बहुत ही यम्मी थी। लाजमी इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। तो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।